हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं प्रेमकांत पांडे आपका स्वागत करता हूं एक्सेल यूनिवर्स में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला में लुकअप एंड रेफरेंस ग्रुप के 24 फंक्शंस के बारे में। उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। आज हम एक्सेल में फॉर्मूला टैब के अंदर एक नया फंक्शंस ग्रुप को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और इस फंक्शन ग्रुप का नाम है लॉजिकल फंक्शन, जिसमें आपको इफ और एंड नॉट एक्स और भी बहुत सारे तरह के लॉजिकल फंक्शंस मिलेंगे जो आपके काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। जहां भी आप लॉजिकल कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे आप इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। बेसिकली आज का यह वीडियो लॉजिकल फंक्शंस का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे कहां पे कौन से फंक्शंस अप्लाई किए जाते हैं। जो आज हमारा मेजर पार्ट कवर होगा वो होगा लॉजिकल या कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, कि ये लेस देन साइन कब और कहां यूज करते हैं, फिर इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन साइन और इन्हीं सब के बारे में हमारा ये मेजर फोकस होगा आज के इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर और सीखेंगे इन फंक्शंस को। एक्सेल के इस लॉजिकल ग्रुप फंक्शन में आपको कुल 11 फंक्शन मिलेंगे, अगर आप एक लेटेस्ट एक्सेल वर्जन यूज कर रहे हैं तब। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने इस ग्रुप के फंक्शंस को यहाँ पे एक लिस्ट में तैयार किया हुआ है और इनको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला हमारा ग्रुप है लॉजिकल फंक्शन का, उसमें लॉजिकल फंक्शंस आते हैं जिसमें एंड और एक्सक्लूसिव और नॉट, ट्रू एंड फॉल्स को रखा गया है। इसके बाद वैसे फंक्शन जो इन कंडीशंस के ऊपर काम करते हैं, उसमें कुल 5 फंक्शन आते हैं, इफ एरर, इफ एन ए, स्विच और इप्स। यहां मैं आपको इन्हीं ग्रुप के कुछ फंक्शंस को यूज करके दिखा रहा हूं, बिकॉज ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है लॉजिकल फंक्शंस का। तो हम इसके एक एक फंक्शंस के ऊपर पूरे डिटेल्स में आगे बात करेंगे। तो यहां पे मैं ये और फंक्शन को यूज करता हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा इक्वल टू और इसके फंक्शन आर्गुमेंट में जाएंगे। तो यहां पे आप देखिए इस फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, चेक वेदर एनी ऑफ द आर्गुमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ये फॉल्स कब रिटर्न करेगा, तो उसके बारे में कहा गया है रिटर्न्स फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर फॉल्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस फंक्शन के अंदर एक भी लॉजिक अगर ट्रू होता है तो वह रिजल्ट ट्रू में ही देगा, या फॉल्स तभी शो करेगा जब इसके अंदर जितने भी लॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं वो सारे फॉल्स होंगे। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं 1 = 1, यहां पर रिजल्ट आ गया ट्रू। यहां पे मैं देता हूं 2 = 2, यहां भी ट्रू आएगा। अब यहां पे मैं एक फॉल्स लॉजिक पास करता हूं, जैसे मैंने यहां पे बोला 1 = 2, तो यहां पे आ गया फॉल्स। जो इसका फाइनल रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा, आप यहां देख सकते हैं ये ट्रू आ गया। अगर वहीं मैं इस फंक्शन में कोई फॉल्स आर्गुमेंट पास करता हूं, यहां पे मैंने लिखा 1 = 2, 0 > 8, और यहाँ पे मैं कोई भी लॉजिक पास कर देता हूँ जैसे 5 = 7। अब यहाँ पे तीनों आर्गुमेंट फॉल्स हैं, तो इस केस में क्या आएगा, फॉल्स रिजल्ट आएगा। अगर इसी फंक्शन में कोई ट्रू रिजल्ट अगर पास कर दें जैसे 5 = 5, तो ये इसका रिजल्ट जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। और यहाँ जितने भी आपको ये लॉजिकल फंक्शन दिख रहे हैं एंड और एक्स और नॉट, ट्रू और फॉल्स, इन सारे फंक्शन के रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में ही आएंगे। तो इसका फाइनली ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर आपको कहीं पे मल्टीपल वैल्यू को कंपेयर करना हो तो आप इन लॉजिकल फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। अब यहां दो फंक्शन है ट्रू या फॉल्स, ये इसी तरह यूज होते हैं जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी फंक्शंस में लिखना है ट्रू, तो कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिखते हैं तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होता है। लेकिन ट्रू और फॉल्स एक ऐसा लॉजिकल फंक्शन है हमारे एक्सेल में जिसको कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये अगर आप ट्रू लिखेंगे तो ये ट्रू ही आएगा, अगर यहाँ पे आप फॉल्स लिखते हैं तो ये फॉल्स आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रेम तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो ये दोनों जो है हमारे लॉजिकल फंक्शन है हमारे एक्सेल में। अब बात ये आती है कि जब ये लॉजिकल फंक्शन हमें रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देते हैं तो हम इन्हें यूज कहां करेंगे। तो इन्हें यूज करने के लिए हमारे एक्सेल में 5 कंडीशनल फंक्शंस भी दिए गए हैं,
अब ये पांच कंडीशनल फंक्शंस जो हैं वो इफ, इफ एरर, इफ एन ए, स्विच और इफ्स। अब इनके अंदर आर्गुमेंट जो पास करना होता है वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स, इन फंक्शंस को ये बताना होता है कि ये सही है ये गलत है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इफ फंक्शन का, मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू इफ। अब इसको मैं फंक्शन आर्गुमेंट में जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे मैं देता हूँ वन इक्वल टू वन, ये एक टेस्ट हो गया कि वन वन के बराबर है कि नहीं। अगर इसे ये मिला ट्रू तो यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है ट्रू। अगर ये वैल्यू ट्रू होता है, लॉजिकल टेस्ट का रिजल्ट जो है अगर वो ट्रू होता है तो यहाँ पे ट्रू में वो वैल्यू डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओके। और अगर ये रिजल्ट फॉल्स होता है तो यहाँ पे लिख दो भाई नॉट ओके। और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट ट्रू है तो यहाँ पे हमें रिजल्ट भी ओके मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इस फंक्शन को एडिट करें और यहाँ वन इक्वल टू वन की जगह वन इक्वल टू टू कर दें तो यहाँ पे देखिए ये फॉल्स आ गया। और इस फॉर्मूले का, इस फंक्शन का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा नॉट ओके। जैसे मैं ओके करूंगा यहाँ पे आपको नॉट ओके डिस्प्ले करेगा। इसी तरह अगर हम इफ एरर की बात करें या इफ एन ए की बात करें, तो जितने भी फंक्शंस आप एक्सेल में यूज करते हैं अगर आपको लगता है कि वहां पे एरर आने के चांसेस हैं तो आप इन दोनों फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। इसी तरह स्विच, अभी तक आप इफ फंक्शंस को यूज कर रहे थे अपने जितने भी पुराने एक्सेल के वर्जन हैं उसमें, लेकिन अगर आप नेस्टेड इफ यूज करना चाहते हैं उस केस में आप स्विच फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा इक्वल टू स्विच और यहां इसके फंक्शन आर्गुमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देना है एक्सप्रेशन, तो मैं F5 को ले लेता हूँ इसके रेफरेंस में और वैल्यू 1। तो हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाते हैं, वैल्यू 1 1 होना चाहिए, मतलब जो एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन में अगर 1 हो तो हमें रिजल्ट क्या दे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जैन। अगर डिफॉल्ट और वैल्यू 2 तो हम यहाँ पे अभी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं इनपुट करेंगे, हम यहाँ पे देते हैं 3। If 5 में नंबर 3 वैल्यू हो तो यहां पे आना चाहिए मार्च। इसके बाद वैल्यू 3 में यहां पे आना चाहिए 6, तो इसका रिजल्ट क्या है तो जून आए। इसी तरह वैल्यू 4 में मैं इनपुट कर देता हूं 9, तो यहां पे सितंबर आना चाहिए। अगर इन सारे रिजल्ट में से कुछ भी वैल्यू नहीं आए तो यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे मैं देता हूं इनवैलिड इनपुट। अब देखिएगा जैसे मैं ओके करूंगा यहां पे इनवैलिड इनपुट आ जाएगा क्योंकि F5 में अभी कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं की गई है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1 तो देखिएगा यहां पे जनवरी आ जाएगा। अगर मैं यहां पे 2 लिखता हूं तो इनवैलिड इनपुट आएगा, 3 लिखता हूं तो मार्च आएगा, 6 लिखता हूं तो जून आएगा, 12 लिखता हूं तो यहां पे इनवैलिड इनपुट आएगा क्योंकि 12 पे हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी है। तो इस तरह आप इस स्विच फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बारे में पूरे डिटेल्स में हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इसमें क्या क्या काम हम कर सकते हैं, इसमें क्या खामियां हैं और इसके अल्टरनेटिव हम कौन से फंक्शंस को यूज कर सकते हैं अगर इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। तो यहां मैंने बताया कि अगर हमारा लॉजिक फंक्शन ट्रू या फॉल्स में हमें रिटर्न करता है रिजल्ट को, तो हम उन ट्रू और फॉल्स को इन कंडीशनल फंक्शंस के ऊपर लगा सकते हैं। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं लॉजिकल फंक्शंस के बारे में, तो इस फंक्शन में सबसे ज्यादा लॉजिकल ऑपरेटर का यूज होता है, तो आइए हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे यहां पे हमने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर को लिया हुआ है, ये लॉजिकल ऑपरेटर जिन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि इन सारे सिंबल्स का यूज किसी भी दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें लॉजिकल ऑपरेटर्स के सिंबल्स की तो मुख्य रूप से 3 सिंबल्स होते हैं, इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन। और इन्हीं तीनों सिंबल्स को कंबाइंड करके इनके और 3 सिंबल्स तैयार किए गए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब आइए देखते हैं यहाँ पे इन सिंबल्स को हम कहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इक्वल टू साइन है। इक्वल टू साइन किसी भी दो वर्ड के बीच के डिफरेंसेस को बताता है कि ये दोनों बराबर हैं। जैसे मैंने यहां बोला कि 1 और इस सेल में भी 1 लिखा हुआ है तो हम यहां पे देंगे इक्वल टू साइन, मतलब कि ये दोनों ही बराबर हैं। अब जब बात ग्रेटर देन सिंबल्स की आती है तो यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, तो मैं यहां पे बोलूंगा कि 2 इज ग्रेटर देन
वन, तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू में आएगा। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन सिंबल का यूज करेंगे। वहीं अगर हम यहाँ पे लिखें टू और यहाँ पे वन, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि वन इज लेस देन टू, तो यहाँ भी रिजल्ट ट्रू में आएगा, तो इसे हम बोलेंगे लेस देन साइन। इसी तरह आप इन सिंबल्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टू और यहाँ पे मैंने लिखा थ्री, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू, थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, तो क्या रिजल्ट आएगा? तो यहाँ पे ट्रू आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि B12 जो है वो दो से बराबर या उसके बड़ा है, तो यहाँ पे ये सही रिजल्ट देगा। लेकिन वहीं हम यहाँ पे ये इक्वल टू साइन हटा दें तो यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट आएगा। तो इन जगहों पे आप ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन को यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर लेस देन की बात करें तो यहाँ भी आपका लेस देन भी सिंबल काम करेगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा वन और यहाँ पे वन, और मैं ये बोलूंगा कि ये वाला जो है ये लेस देन और इक्वल टू ये है, तो यहाँ पे ट्रू रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे हम लेस देन और इक्वल टू साइन को यूज कर सकते हैं। अब बात आती है नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू कहाँ पे आएगा? मान लीजिए यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वन है, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जीरो नॉट इक्वल टू वन, यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि मैंने इसको बोला है कि भाई ये बराबर है ही नहीं और ये वाकई में बराबर नहीं है, तो ये लॉजिक क्या आएगा? यहाँ पे ट्रू आएगा। तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू सिंबल को यूज कर सकते हैं। तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं जो आप कहीं भी किसी भी वैल्यू या टेक्स्ट को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि एक्सेल में कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला यूज करने से पहले हम इक्वल टू साइन का यूज करते हैं, जो कि फंक्शन या फॉर्मूले के सिंटेक्स की नीड है, उनकी जरूरत है। वहां इस इक्वल टू साइन को नहीं देंगे तो आपका कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो वहां पे हम इस इक्वल टू साइन को लॉजिकल कंपैरिजन के तौर पे यूज नहीं करते हैं, वहां फॉर्मूले के सिंटेक्स की नीड के तौर पे यूज करते हैं। तो इस लॉजिकल ऑपरेटर में यह इक्वल टू साइन हम दोनों जगहों पे यूज कर सकते हैं, एज ए लॉजिकल ऑपरेटर और एक दूसरे जगह फॉर्मूले या सिंटेक्स की नीड के तौर पे। आई होप आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस फंक्शन में बेसिकली मैंने इस फंक्शन ग्रुप के कुछ एक फंक्शन के बारे में बताए हैं और लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसी ग्रुप के चार लॉजिकल फंक्शन जो मैंने शुरू में बताए हैं, और एंड, एक्सक्लूसिव और नॉट के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।